सत्येंद्रनाथ बोस ये वो नाम है जो विज्ञान की दुनिया में प्रतिष्ठा का पर्याय है। उनकी पूरी जिंदगी अध्यापन, विज्ञान के विकास के लिए अनुसंधान तथा प्राकृतिक अवधारणाओं की समझ के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक समझ के बीच गहरा रिश्ता स्थापित करने में बीती। भारत के एक महत्वपूर्ण भौतिक शास्त्री के रूप में सर बोस ने 1920 के प्रारंभिक दशक में क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में अपने अनुसंधानों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दो पारंपरिक कणों में एक बोसन का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है, जिसने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की स्थापना की। सत्येंद्रनाथ बोस की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में आयोजित उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के विकास में एसएन बोस के बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने आह्वान किया कि देश को एसएन बोस से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में विज्ञान के प्रति प्यार तथा समझ बढ़ाने के लिए विज्ञान को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस दिशा में भाषा रुकावट नहीं बल्कि सहायक होना चाहिए। देश भर के वैज्ञानिकों में सतत संचार की भी आवश्यकता है, जिसके लिए अकादमिक तथा शोध एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है। शहरों के शोध एवं अनुसंधान केंद्रों को अकादमिक संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा जा रहा है। देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विशाल आंकड़ा आकलन, यांत्रिक सीख, साइबर भौतिकी व्यवस्था, अनुवांशिकी तथा विद्युत चालित वाहनों जैसी आगामी चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं में विज्ञान के प्रचार प्रसार पर बल दिया और बताया कि इस दिशा में सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास मिशन तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सरकार स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में हम देश में 20 ऐसे संस्थानों के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं जो दुनिया में अपनी धाक जमाए। 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे सर बोस की जीवनी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री एन आइकॉनिक जीनियस का प्रदर्शन। इस दौरान बोस आर्काइव तथा संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ। इसके अलावा प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव ने पानी के फोटो रासायनिक, ऊष्मा यांत्रिकी तथा विद्युत रासायनिक विघटन पर जन व्याख्यान दिया। 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज आने वाले सप्ताहों में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिनमें 19 से 20 जनवरी को सामग्री विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्तमान प्रचलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 29 जनवरी से 2 फरवरी को क्वांटम सह संबंध के नए आयाम पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा 10 फरवरी को बोस फेस्ट तथा एलुमनाई डे आयोजित किया जाएगा। इनके अतिरिक्त 26 से 30 मार्च तक 2001 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वोल्फगैंग कैटरले के व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। बहुप्रतिभाधनी सत्येंद्रनाथ बोस अपनी बहुमूल्य योगदान द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे, जो अब भी क्वांटम भौतिकी का आधार है। पूरी दुनिया इस महान विभूति की कृतज्ञ है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान को नई दिशा दी। भौतिक विज्ञानी का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। सर बोस को 1974 को 80 वर्ष की आयु में सर बोस का